दुर्ग जिले की मोहन नगर थाना पुलिस की टीम ने हारेगा नशा जीतेगा दुर्ग अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बुधवार को नयागंज मंडी धमदा नाका के पास सब्जी बेचने की आड़ में ब्राउन शुगर बेच रहे ढालेश्वर साहू उर्फ चोपो नामक युवक को पकड़कर उसके पास से 1.25 लाख रुपए कीमत की 14 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया है। दुर्ग पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। इसी अभियान के तहत मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 114 पुड़िया ब्राउन शुगर को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1,25,000 बताई जा रही है। ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सब्जी बेचने के आड़ में नशे का सामान बेचा करता था। दुर्ग सिविल टीम को लंबे समय से इसकी सूचना मिल रही थी, जिसके बाद थाना मोहन नगर की टीम के साथ यह कार्यवाही की गई। टीम द्वारा नया गज मंडी के पास घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा गया। वहीं आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। जी, कल दिनांक 25 को हमें ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा नया गज मंडी धमदा नाका के पास जो है वहां पर कुछ नशीली पदार्थ का जो है वहां पर बिक्री किया जा रहा है। तो उसी के तारतम्य में मोहन नगर पुलिस और दुर्ग सिविल टीम के द्वारा वहां पर रेड किया गया था और एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। उससे पूछताछ करने पर और उसकी NDPS के अंदर तलाशी लेने पर पाया गया था कि उसके पास से 114 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर बरामद की गई है, जिसकी जो वजन जो है वो तकरीबन 12 ग्राम के आसपास हो रहा है और उसके ऊपर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जी, हम जो है वो इसके ऊपर के लेवल के जो सरगना हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने वाले हैं। उस पर ही हमारी जाँच चल रही है और आगे लगातार नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।